आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव गोविंदपुर कला पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 20 किलोमीटर तो ब्लॉक से 15 किलोमीटर है। 1800 वोटों वाले इस गांव की कमान सर्वेश कुमार के हाथों में है। 4 वर्ष में इन्होंने इस गाँव को किस तरह से सजाया है और अभी भी क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे की गोविंदपुर कला ग्राम पंचायत में, जहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम यहां प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं ग्राम प्रधान के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अब तक आपने गाँव में करवाए हैं? स्कूल की मरम्मत आपने देखी है, ये सौंदर्यकरण दिखाई दे रहा है और शौचालय हो गई ग्राम पंचायत। यहाँ आवास मिले हैं आपके गांव में? आवास कम मिले, मुझे आवास जो है कुल 3 आवास मिले हैं। कितने परिवार अभी यहाँ हैं जिन्हें आवास की जरूरत है? अभी मेरे यहाँ कम से कम जो है 10 आवास और तो मिल जानी चाहिए, कम से कम 10 आवास और मिल जानी चाहिए। और आपात आदमी गरीब आदमी का आज की तारीख में भी कच्चा मकान है जी, उनके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, मतलब अभी तक जो है कोई सुनवाई नहीं हुआ है जी। पता नहीं सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा जैसे 12 घर पंचायत भवन ये बने हुए हैं? या नहीं है, हमारे कोई बात वो नहीं है, हमने बहुत समस्या करी है, कोई चीज़ हमें नहीं दी। ग्राम समाज की जगह है यहाँ? ग्राम समाज की जगह है, आंगनबाड़ी के केंद्र के लिए हमने कैश थोड़े मतलब जो कोई नहीं मिल रही। आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है गाँव में? नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र तो आपने जो भी करते हैं कर, 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 में तो ग्राम समाज की जो जगह है उसमें क्या हो रहा है? मतलब ग्राम समाज जगह आस पास तो है नहीं, यहाँ पर वो दूर जाकर पड़ रही है। अच्छा, अब वहाँ जो है पैसा बन नहीं गया। तो अब अपने गांव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? गाँव में जो है बहुत परेशानी है, स्कूल मना कर तो रोकने के लिए परेशानी सामने आ रही है। और एक हमारे तरफ जो है का एक रास्ता है, वहाँ जो है का नहर की बहुत सब जरूरत है, उसका पानी का निकास होना चाहिए। मतलब गांव में पानी भरता है? हाँ, मतलब जो खेतों में जाता है तो उसका जो है का ऐसा निकास होना चाहिए जो वहाँ पानी भरे तालाब को खून करना चाहिए। मतलब तालाब के लिए यहाँ पर या तो कोई तालाब निर्माण कराया जाए? तालाब तालाब में पहुँच जाती है पानी जी, मतलब पानी रुकता है। बाकी क्या कच्चे रास्ते अभी भी हैं गाँव में? कच्चा रास्ता ना कोई पूरा पक्का हो चुका है? हाँ, पूरा पक्का कच्चे हो गया सर जी, पूरी रास्ता पक्के हैं। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास यहाँ प्रधान जी द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी का कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवास भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, शौचालय से ये गाँव पूरी तरह से ओडीए हो चुका है, स्कूल में भी काफी सौंदर्यकरण का काम करवाया गया है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं यहाँ बाकी हैं। जैसे कि सबसे प्रमुख समस्या यहाँ पर 12 घर पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्र तक यहाँ निर्मित नहीं है, जिसके लिए प्रधान सबसे पहले मांग रखना चाहते हैं। अशरफ अली के साथ मिनाबरी टुडे 24 से। क्या नाम आपका? सुनील कुमार के हमारा जी। आप किस पद पर जी? सर जी बताइए, विद्यालय में ग्राम प्रधान द्वारा क्या क्या विकास कराया गया? गाँव में विद्यालय में जो हमारा प्रांगण है इसमें टाइल लगी है, जिस रूम में हम ऑलरेडी खड़े हैं इसमें भी टाइल्स लगी हैं, और जितना भी शौचालय का काम है उसमें टाइल्स लगी हैं, टंकियाँ लगी हैं, जो समर सिविल है वो कंप्लीट हो गया है, किचन है, किचन के अंदर पूरी टाइल्स लगी है। भरपूर समय देते हैं ग्राम प्रधान विद्यालय के लिए जी सर।